हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर आज आप लोगों के सामने एक बार फिर मैथ का एक यूनिक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ का माना जाता है। ठीक है, एडवांस एक्चुअली बोला जाता है एडवांस मैथ का ये टॉपिक है, इसका नाम है त्रिकोणमित्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, इस टॉपिक से नॉर्मली जो बच्चे स्टार्टिंग करते हैं तैयारी करना, ठीक है, वो काफ़ी डरे हुए होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दो तीन साल तैयारी कर चुके होते हैं और उनको भी ये टॉपिक से काफ़ी डर जैसा फील होता है। ठीक है, तो आज मैं वही डर आप लोगों को भगाने आया हूँ। ठीक है, और त्रिकोणमिति का एक, ठीक है, ऐसा तरीका आप लोगों के सामने मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आप लोग आज से पहले कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे। ठीक है, कभी कोई आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो आप लोग को यदि पसंद आए वीडियो तो इस वीडियो को बहुत शेयर करिए। ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जितना से ज़्यादा इस, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि जिसको त्रिकोणमिति का टी तक नहीं पता वो इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे का तो सारे क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे आज का वीडियो देखने के बाद। ठीक है, आरएस सरवाल का 90% क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे और ना उनको कोई फार्मूला रटना पड़ेगा ना कोई ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, कुछ समझने का जरूरत नहीं, बस छोटी सी बात को ठीक है ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे मैं बातें करता रहा हूँ। जो टॉपिक का नाम है आज का वह त्रिकोणमिति। ठीक है, तो जैसे ही ये टॉपिक आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों के दिमाग में चलता होगा छह चीजें चलती है। ठीक है, कौन कौन सी वो छह चीजें हैं? एक होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, मैं ना कोई आपको फार्मूला पढ़ाने वाला हूँ ना कोई भी ट्रेडिशनल अप्रोच है। त्रिकोणमिति का आपको उसे कनेक्शन ही नजर नहीं दिखेगा यदि बात करूँ। ठीक है, मेरी अप्रोच, ठीक है, और मेरा जो अप्रोच है वो बेसिकली चार, जब मैं अपने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वो चार लेवल का मैं इसको डिवाइड करने पढ़ाता हूँ। आज उसका पहला लेवल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को देखिए बढ़िया से। तो चलिए मैं तीन नंबर लिखता हूँ, उस तीन नंबर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। नंबर है बहुत आसान सा नंबर है, तीन चार और पाँच, ये तीन नंबर है। ठीक है, थ्री फोर एंड फाइव, बस आपको क्या सोचना है क्या समझना है बस वो देखिए थोड़ा सा। बस इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है, कौन सा नंबर है छोटा? सबसे थ्री, उसका रिलेशन सबसे बड़े के साथ पहले आप दिखाइए। मतलब सबसे छोटा नंबर को ऊपर लिखिए और जो सबसे बड़ा नंबर है पाँच उसको नीचे लिखिए। यानी जब भी आपके पास त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन हो तो साइन थीटा दिख जाए क्वेश्चन में तो आपको तीन बटा पाँच सोचना है। ठीक है, जब भी आपको साइन थीटा दिखे तो आपके दिमाग में कितना आना चाहिए? तीन बटा पाँच, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए, छोटा का रिलेशन बड़ा के साथ दिखा दिए तो वो साइन थीटा होगा, वैल्यू होगा। नेक्स्ट है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया, बीच वाला नंबर कौन सा है? चार, उसका रिलेशन, दोनों का रिलेशन बड़े के साथ दिखाते हैं तो चार का रिलेशन फिर पांच के साथ, तो चार बटा पांच। तो अब आपको क्या ध्यान रखना कि आज के बाद क्वेश्चन में जब भी कॉस थीटा यूज हो तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? चार बटा पांच। ठीक है, तो अब बस ये दो वैल्यू आपको यदि याद हो गया, साइन थीटा तीन बटा पांच, कॉस थीटा चार बटा पांच। ठीक है, तो ऑटोमेटिक तीन थीटा, देखो तीन बटा पांच को आपको डिवाइड कर लेना है चार बटा पांच, तो ये दो नंबर चार नंबर कट जाता तो क्या मिला आपको? तीन बटा चार। तो यही जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा? तीन थीटा का मान होगा, यानी तीन थीटा कितना हो गया? तीन बटा चार। बस ये तीन चीज आपको पता है तो आप बाकी का ये तीन तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, यदि नहीं पता तो सीख लीजिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो साइन यदि तीन बटा पांच है, तीन बटा पांच है तो कॉसेक कितना होगा? पांच बटा तीन। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। ठीक है, कॉस का वैल्यू मेरा कितना निकला? चार बटा पांच, तो सेक कितना हो जाएगा? पांच बटा चार। ठीक है, और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन अभी मेरा निकला तीन बटा चार, तो ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? चार बटा तीन। बस आपको इतना सा बात आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन हो सब इसी लॉजिक से सॉल्व है और एक भी फॉर्मूला आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सामने रखूंगा, ठीक है? तो देखिए, एक बार मैं फिर से छोटा करके मैं कुछ वैल्यू वो जो वैल्यू को लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये तो डाउन है। आप तो आप लोग के पास हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि साइन थीटा का जो मान होता है वो 3/5 होता है, कॉस थीटा 4/5, टेन थीटा 3/4, ठीक है? इसी का उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना 5/3, इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, ये हो गया 5/4, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, ये कितना 4/3, बस यही त्रिकोणमिति है। और ये आपको काफ़ी आज का वीडियो देखने के बाद तो बहुत मजा आएगा त्रिकोणमिति को सॉल्व करने में, ठीक है? आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप आर एस सर्वर का क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? देखिए कितना इंटरेस्टिंग लगता है आपको, मजा आने लगेगा त्रिकोणमिति को पढ़ने में, ठीक है? चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड को मैं क्वेश्चन का सेट ले लूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन हम बेसिक से लेता हूँ। हम बस आपको ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता त्रिकोणमिति का, टी भी नहीं पता आपको, ठीक है? ये त्रिकोणमिति जो स्टार्ट होता है ना पहला वो टी, आपको वो भी नहीं आता, फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और वो भी जल्दी, ठीक है? जितने लोग फॉर्मूला पढ़ के सॉल्व करते हैं उससे आप काफ़ी जल्दी, उससे आधे टाइम में आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, ठीक है? चलिए बात करते क्वेश्चन पर। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पहला आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है? इसका वैल्यू निकालना, ऑप्शंस मैं लिखते जाऊंगा आपके सामने। पहला ऑप्शन है 1, ऑप्शन 2, सी ऑप्शन में 3 दिया हुआ, ऑप्शन डी दिया हुआ आपका 4, ठीक है? बस आपको ये ध्यान रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन में साइन थीटा दिख जाए तो आपको कितना समझना है 3/5, कॉस थीटा दिखे 4/5, टेन थीटा दिखे 3/4। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉस थीटा का मतलब कितना 4/5, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगा देना, सेक उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है कॉस का, तो ये 4/5 देखिए कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ठीक है? प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए, साइन 3/5, कॉसेक कितना होता है कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये 3/5 तो 5/3 आपको दिख जाएगा, जो जो कटेगा आप काट लेंगे, 5 से 5, 3 से 3 कट गया तो 1 मिला, 4 से 4 कट गया 5 से 5 कट गया, इधर भी 1 मिला इधर भी 1, 1+1 कितना आंसर हो गया आपका 2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा धीरे धीरे, ठीक है? और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर होते जाएगा और आपके माइंड से एकदम जरा सा भी प्रेशर पड़ने नहीं देंगे, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो कॉसेक आपको पता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन 3/5 तो कॉसेक कितना 5/3 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अब यहाँ पे तो स्क्वायर है, स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है? माइनस का 1, रूट था तो रूट लगा देंगे हम, कॉसेक फिर से आ गया तो 5/3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? अच्छा आपको माइनस करने भी आना चाहिए, अब यहाँ पे आप ऐसा मत करिए बच्चों जैसा कि एलसीएम लीजिए फिर माइनस करिए, वैसे नहीं, आपको माइनस देखो कैसे करना है, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 1 है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 से 9, यहाँ 25 में से 9 गया तो कितना हो गया उत्तर में 16, ठीक है? और 16 और इधर नीचे में कितना है 9, रूट था रूट लगा लो, और ये जो 5/3 है आपको प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये भी लिखना नहीं, सीधा 16 का स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे आप, लेकिन फिर भी चलिए हम लिख दे रहे हैं, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे 5/3 है, ठीक है? अब ये देखिए 2 नंबर से 4 नंबर कट जाता तो 3 और 3 कट गया तो क्या बचा 4/5। अब आपका एग्जाम में जो ऑप्शन दिया हो रहा है ना, जैसे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन में लिख रहा हूँ पहले, ठीक है? तो आप लोग आंसर देखिएगा क्या होगा, साइन थीटा
सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ कॉस थीटा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सेक थीटा, आखिर दिया हुआ है कॉसेक थीटा। तो आपका आंसर तो आया न्यूमेरिकल वैल्यू 4/5, लेकिन ऑप्शंस में ये सब वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं, आपको पता है 3/5, आपको पता है साइन थीटा होता है, 4/5 होता है कॉस थीटा। तो आपका जो आंसर आया वो क्या है, 4/5 आया। तो 4/5 का जैसे ही आपको दिमाग में रखें कि आपके 4/5 का मतलब होता है कॉस थीटा, ऑप्शन में देखो कॉस थीटा कौन सा, ऑप्शन बी दिख रहा है, ये आंसर हो गया, और कुछ नहीं आपको, ठीक है। 4/5 आया, 4/5 मतलब कॉस थीटा, ऑप्शन बी आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा, चलिए और भी क्वेश्चंस लेके देखते हैं ना, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा का मान लगाइए, ठीक है। ऑप्शन इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन लिख दे रहे हो 1, 0, 3 and 4, ओके। चलिए देखते हैं, कॉस थीटा 4/5, साइन थीटा कितना 3/5 इंटू टेन स्क्वायर, अब टेन होता है 3/4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 इंटू कॉट होता है उल्टा, किसका उल्टा, 10 का उल्टा, तो 3/4 का उल्टा 4/3 कर देंगे, ठीक है। ये 5 से ये 5 कट गया, देखो 4 चौके 16, 4 यहाँ पे भी 4, 4 और 4 को गुणा करें, 4 चौके 16 से ये 16 कट गया, 3 यहाँ 3 किया 9, 9 से ऊपर का 9 कट गया, सब कट गया, आंसर कितना आया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 1 - sin² θ, बहुत बड़ा बात है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि ना कोई आपको फॉर्मूला टच करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का जो भी ट्रेडिशनल तरीका होता है आपको एक जरा सा भी टच नहीं किया, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। साइन स्क्वायर थीटा 3/5 होता है साइन थीटा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, सेक का मान, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस होता है 4/5, कॉस होता है 4/5, इसका उल्टा होता है 5/4, तो स्क्वायर है तो उल्टा का स्क्वायर कर देना, 5 का हो गया 25, 4 का 16। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो 25 एकम 25 में से 9 गया कितना, देखिए ऐसे माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 25 एकम 25 माइनस है तो माइनस का 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16/25, और यहाँ पे था 25/16, 25 से 25 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। देखिए कितना आसान है, ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि बोलने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी हो नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 10² θ का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। और ऑप्शंस में इस बार साइन के फॉर्म में दिया हुआ cos theta, sin theta, sec theta, ऑप्शन बी का मान, ठीक है। आपको जब भी tan theta देखे हम क्या बताएं आपको, 3/4 आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, रूट का साइन है रूट लगा दो, 1 है 1 लिख देंगे, उसका वैल्यू होता है 3/4, तो स्क्वायर में दिया हुआ तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का होता है कितना 16, तो जोड़ेंगे तो 16 एकम 16 9 25, 25/16 स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 ऊपर का रख लेगा तो 25/16 का स्क्वायर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का कितना 4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना हो गया 3/5, और 3/5 किसका मान होता है, साइन थीटा का, ऑप्शन में देखो साइन थीटा कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, देखो कितना मजा आ रहा है बनाने का, तो आप लोग आज आर्य सवाल खुलेगा उसका लगभग एक नंबर से बनाना स्टार्ट करें, देखिए कितना मजा आएगा आपको, क्वेश्चन जो सॉल्व होने लगता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। आपको अंदर से खुशी फील होगी कि त्रिकोणमिति का आज, ठीक है, कि पहले आप कोई क्वेश्चन देख के डरते थे तो उसी क्वेश्चन को आप कितना आसानी से बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 1 - cos² θ
इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा का मान बता रहे हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में ऑप्शन है, तो चलिए देखते हैं। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान 4/5, तो 4 का स्क्वायर 16/25, ठीक है। कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स उल्टा होता है साइन का, तो साइन 3/5, तो ये कितना होगा 5/3 स्क्वायर है, तो 25/3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना, 25 एकम 25 मैंने 16 किया तो कितना हो गया 9/25 और इंटू 25/9, तो 25 से 25 9 से 9 कट गया, आंसर कितना हो गया 9। देख रहे हैं कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये जैसा कि मैंने बताया इस मेथड का 4 लेवल है, इसको बहुत आगे तक हम लेके गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग केवल पहला लेवल देख रहे हैं, चूंकि बेसिक है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। 2 1 - sin²θ का मान बताना, ठीक है। ऑप्शन स्पेस में न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 को 2 रखते हैं, 1 साइन का भी माना तो आपको पता है 3/5 होता है, 3 का स्क्वायर 9/25, ठीक है। ये 2 है तो 2 एज इट इज रखते हैं, 1 इसका 4/5, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो सॉल्व कर लेना 2 × देखो 25 एकम 25 में से 9 या कितना 16/25 प्लस, ठीक है, 2 × 25 एकम 25 में से 16 गया तो 9/25, तो सॉल्व कर लेंगे आप, देखिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 25 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो गया 16 × 32 प्लस 9 × 18, 32 और 18 जोड़ते हैं तो आप कितना आता है 50/25, यानी काटेंगे तो आंसर कितना मिला हम लोग 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। समझ पा रहे आप लोग, ठीक है, मजा आ रहा है वीडियो में, ठीक है। देखिए कितना ईजी वे में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। बस आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, जितना लाइक करिए, ठीक है, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह का वीडियो आगे इसका 4 लेवल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप लोग पहले इस वीडियो को पॉज करके ये सब क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक साथ मैं 2-3 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका ऑप्शंस कुछ अलग ढंग से दिया हुआ है, ऑप्शंस भी मैं लिखते जाऊंगा, इसमें कुछ अलग और विशेष ऑप्शन है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, 1/6 ऑप्शन सी दिया हुआ है, 1/cosec θ ऑप्शन डी दिया हुआ है, 1/6θ-1, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन है आपके सामने, पहले जब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो ऑप्शन है इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है, सॉरी न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं, इस ऑप्शन इसका भी चलो ऑप्शन में लिख दिया, इसका ऑप्शन है 1/sin θ, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1/cos θ, ऑप्शन सी दिया हुआ है। ऑप्शन से डरने का जरूरत नहीं है आपको, आंसर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को आंसर तुरंत मैच होगा, थोड़ा सा खाली वेरीफाई करना पड़ता है ऑप्शन को, जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 - √1 - इसका स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 1 को 1 रखेंगे, 25 एकम 25 में से 9 हो गया तो 16/25, 16/25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ गया 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, ठीक है। अब देखिए ये 1/4/5 आया, 4/5 किसका वैल्यू होता है आपको पता है, 4/5 का मतलब होता है cos थीटा, यानी इसका जो आंसर आने वाला है 1/cos θ आंसर होगा। ऑप्शन में देखो कौन 1/cos θ दिया हुआ है, ठीक है, देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ 1/cos θ, ये इसका आंसर होगा। समझ पा रहे आप लोग, ठीक है, इसी तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं 1/1 + tan²θ, 1 + tan², 10 का मान 3/4, तो स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 एकम 16, 9 25 का 25/16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट, 1 को तो 1 ही रख दे रहे ऊपर, 25 का 5, 16 का कितना 4, 5/4, 5/4 देखिए किसका वैल्यू है, 5/4, 5/4, 5/4,
देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सेक का वैल्यू, यानी इसका जो आंसर होने वाला है 1/sec थीटा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में 1/sec थीटा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा चीजें, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। ये आप लोग को यदि क्वेश्चन का सीट चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8759409951, ठीक है। पहले तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, उसके बाद यदि क्वेश्चन का सीट चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख के भेजिए, ठीक है। ये सीट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। बस यही है। और देखिए पढ़ाने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। आप किस एक टीचर का ये इम्पोर्टेंस होना चाहिए, एक ठीक है विशेषता होना चाहिए कि वो स्टूडेंट को समझे, स्टूडेंट के ठीक है स्टूडेंट कैसा चीज एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। मैं हमेशा अपने बच्चों को ना एज ए स्टूडेंट मान के, मतलब खुद को एक स्टूडेंट मान के पढ़ाता हूँ कि मैं एक यदि स्टूडेंट हूँ तो मैं मुझे क्या चीज़ें आसान लगेगी, ठीक है। उस हिसाब से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। और बहुत सारा देखो केवल ऐसा नहीं केवल त्रिकोणमिति में है, कोई भी डिपार्टमेंट में एडवांस मैथ में मेंसुरेशन में आपको मैं दिखाऊंगा डाटा का केवल यूज करके क्वेश्चन फॉर्मूला का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, उस चीज को डेमो समझ लीजिए मेंसुरेशन का, ठीक है। तो मेंसुरेशन में एक टॉपिक है सर्किल, ठीक है। उसमें बहुत कुछ बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपको सर्कमफेरेंस दे देगा, परिधि दे देगा और आपसे एरिया पूछेगा, कुछ भी दे देगा, परिधि दे देगा या फिर रेडियस दे देगा और आपसे एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप ठीक है फार्मूला आप लोग रटते हो, ठीक है। और एग्जाम में जब फार्मूला का यूज भी करना होता है तो डायरेक्ट आप फार्मूला का यूज नहीं, पहले आप हाइट निकालते हो, फिर पता नहीं क्या क्या निकाल के फिर फार्मूला में बैठाते हो, फिर जाके कैलकुलेशन करते हो, तब जाके आपका आंसर आता है, ठीक है। वो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आपको छोटा सा एक रिलेशन बता रहे जस्ट डेमो के लिए, तो आपको ध्यान कर रखना ना त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब था रेडियस, त्रिज्या परिधि सर्कमफेरेंस, ठीक है, और एक होता है एरिया क्षेत्रफल, ठीक है। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, तो रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन को यदि आप याद रखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है ना दो दो सेकंड में सॉल्व होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेमिस्फेयर सेमी, ठीक है, सेमी सर्किल जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, उसमें भी ये लगेगा, क्वार्टर सर्किल, सर्किल का सारा क्वेश्चन भी एप्लीकेबल है, इतना जानते रहते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है चलिए हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन होता है यदि इसका रेडियस 3.5 हो जाए, ठीक है, रेडियस कितना होगा 3.5, इसका जो परिधि का मान होगा वो 22 होगा और जो एरिया होगा वो 38.5 होगा, इतना सा बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यदि देखिए थोड़ा सा इसमें क्या रिलेशन चलता है वो थोड़ा समझते हैं, जैसे आपसे कुछ ठीक है परिधि दे दे कुछ, मान लीजिए बोले कि परिधि है 44, परिधि देखिए यहाँ पर डबल हुआ ना, आपसे रेडियस पूछे तो रेडियस को भी क्या कर देंगे डबल कर देंगे, 3.5 का डबल कितना 7, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर, कुछ भी मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी। लेकिन जब से आपसे यदि एरिया पूछ ले तो एरिया देखिए एरिया को आप लोग कैसे लिखते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो कि सेंटीमीटर लिखते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो, तो एरिया जब भी करते तो हम लोग स्क्वायर में चले जाते हैं, बाकी इन दोनों के साथ सेंटीमीटर ही रखता है, यानी इससे पता चलता है कि एरिया जो है स्क्वायर में बढ़ता है। तो यदि सेंटीमीटर दुगना हो रहा है मतलब रेडियस दुगना हो रहा है परिधि दुगना, तो एरिया जो हो ना वो 2 का स्क्वायर में बढ़ेगा, मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 4 से जब आप गुना करो तो 154 मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए आपको कुछ दे दे, ठीक है, यही दे दे कि 88 सेंटीमीटर सब कुछ इसका सर्कमफेरेंस है, आपसे बोला कि एरिया बताओ, तो देखो 22 से ये 4 गुना हुआ ना, 22 से कितना गुना हुआ 4 गुना, ठीक है। तो बस कुछ नहीं आपको इसको क्या कर देना 16 गुना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 साथ जब इसको गुना करो तो आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ये मेथड होता है। आप अब देखिए ये चीजें एक बार अभी देख लेते हो तो आपके माइंड में छप जाएगा बिना कोई फार्मूला लगा और बिना कोई कैलकुलेशन का, सबसे बड़ा बात है, ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, पढ़ाने का यही सिस्टम होता है कि टीचर को ना अपने चीजों पे एनालिसिस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा जो किताबों में लिखा ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते जाना चाहिए। तो वैसे तो कोई भी घर पे पढ़ सकता है, कोई अच्छा स्टूडेंट है मीडियम क्लास का, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए आपको ठीक है मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो साथ देना यही है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, ये वीडियो को अच्छा लगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शेयर करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ठीक है, ओके भाई।